तो ये देखो ये कलर लिए मैंने अभी तक, तीन लिए मैंने, तीन जो दो उसके साथ लटक रही। हम मिलने आए हैं मेघा दी से, बस मुझे एक साल सुनाओ। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। सो गाइज, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, नहा लिया, रेडी भी हो गई हूँ मैं, और मैंने पहनी है वाइट टी शर्ट, दुगू ने भी वाइट टी शर्ट पहनी है, जप्पू ने पहनी है ग्रीन टी शर्ट। तो अभी सुबह के बज गए हैं नौ बज गए हैं, और हम लोग नहा के रेडी हैं, और अगले 10 मिनट में हम रूम खाली कर देंगे। तो आज ये है कि सो के सारा दिन तो नहीं निकालना ना, बहुत आज भी घूमना है, लास्ट ये है, और आज वापसी घर पे भी पहुंचना है। तो मिलवा देती हूँ अभी आपको जपनूर व्लॉग से। गुड मॉर्निंग जप्पू। गुड मॉर्निंग गाइस। जप्पू सबसे पहले रेडी हुआ था, इसको सबसे पहले नहला के रेडी किया मैंने, है ना? फिर रुकना पड़ा मेरे को। इसको फोन दे जाओ तो ये परफेक्ट है, अगर इसको फोन ना दो तो इसका मुंह ऐसा हो जाता है। इतना भी बदतमीज नहीं होना चाहिए फोन के लिए, समझ में आई? सारा दिन फोन पे नहीं निकलता, टीवी भी तो बाहर घूमने आया, तेरे को फोन और टीवी से क्या मतलब है? सुधर जा। मोस्ट पैकिंग डन है मेरी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग डुगू। डुगू आधे रेडी हैं, आधे नहीं रेडी हैं। चलो चलिए। अच्छा भाई, यहाँ पे ओवर वेट ही आ गया लिफ्ट में। आप जो चढ़ गए 100 किलो के। तो अभी हम जाने लगे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के होटल से, देख रहे हैं मार्केट अभी भी नहीं खुली हुई है। हम जल्दी जल्दी तैयार हो गए, उनके फटाफट दोबारा गुरुद्वारे मत्था टेक के बाबा दीप सिंह जी मार्केट जाएंगे, तो जब तक तो अमेरिका खुली जाएगी। ठीक, सामान अब हम अपना साथ में ले रखेंगे उसको गाड़ी में। तो इसको तो कैसे चला रहा है जप्पू, इसको तो जैसे टोए मिल गए ना, मज़ा आ रहा है उसको चलाते हुए, कह रहे मेरे को दे दो मेरे को दे दो। तो पार्किंग में रख दिया सामान जप्पू और मैंने, हरलीन खड़ी है बाहर, तो जा रहे हैं हरलीन के पास, हम के सामान कहाँ कहाँ लेके घूमते रहेंगे। चेकआउट कर दिया हमने होटल, तो अभी हरलीन को मैं लेता हूँ यहाँ की फेमस शॉप पैटी कुलचा खिलाने के लिए। जप्पू मेरे पीछे पड़ा होता, वहाँ पर काका देखो कैसे लेटा हुआ है। मैंने ना अभी यहाँ से गुरुद्वारा शीदा साहब का रास्ता देखा तो आ रहा टाइम 23 मिनट का, उससे पहले जप्पू कहता कोई बात नहीं पैदल चलना चाहिए, जैसे जप्पू ने टाइम देखा जप्पू क्या कहता, अब रिक्शा कर लेना, इतनी भी हेल्थ नहीं बनानी चाहिए। जप्पू तो ये है पैटी कुलचा, मेरे को पूरी लेयर से बना रखा सारा, ये अरे पूरा देसी गैस पूरी। अमृतसर में आके वेट ना पड़े तो क्या फ़ायदा। यो तो इनको नई जगह पे खिला के ट्राई कराया, कैसा लगा हल्दी बताओ? एक नंबर। एक नंबर जप्पू दे रहे हो? एक नंबर। तो बहुत बढ़िया लगा मैं पैटी कुलचा, है ना? चलो अब चले। अब यहाँ से निकल चुके हैं बैटरी रिक्शे पे गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीदों को कहते हैं। जप्पू को देखो अकेले सीट मिल गई। जप्पू मिड़ाइया ले रहे हैं, अब मुझे पता तो गाड़ी में बैठ के सो जाएगा, है ना? नींद आ गई ना कुल्चे खा के तेरे को? जप्पू को ना जरा सा प्रसाद दिया, जप्पू कहता थोड़ा सा और दे दो मेरे को, फिर जप्पू को पूरे हाथ भर दिए उन्होंने। जप्पू सवाल लगता है तेरे को? एक नंबर प्रसाद सबको सवाल लगता है। तो अब दोबारा रिक्शे में बैठ चुके दरबार साहब से मट्ठा टेक के बाबा दीप सिंह जी के, अब जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज मार्केट खुली हुई है, अरलीने करा रहे शॉपिंग। पापा ने पकड़ लिया, उसके पैसे तुमने देने, तुमने मेरे को बोल रखा था, झूठ मत बोलो। अरलीन ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस चलो चलिए।
तो यहाँ पे ये आम बात है, छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे जाम लग जाता है, 10 मिनट हो गए मैं खड़े हुए। तो हमारे रिक्शा वाले भैया देखो रिक्शा छोड़ के वहाँ चले गए लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई करने के लिए हम यहाँ पे इतनी देर से खड़े, तुम वहाँ पे रुको। चलो लड़ लो, वो भी जरूरी है, वो देखो सामने लड़ रही है। तो मार्केट खुल गई। तो मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट खुल गई है। कल मार्केट यहाँ पे खुल चुका है। मैं यहाँ पे लेने आया सरदार जी के पास पगड़ी, पिछली बार भी यहाँ पे पगड़ी ले गया था तो अच्छा निकला था इनका फैब्रिक ना, तो अभी यहीं से लेंगे। तो एक टमाटर रेड कलर ली है, बाकी यहाँ पे कलर ये निकाल रहे हैं और ये सारे कलर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये कलर लिए मैंने अभी तक, तीन लिए मैंने, तीन वो जो दोस्त के साथ लटक रही हैं और जो ग्रीन और वो टमाटर रेड है वो, पांच कलर लिए मैंने, बाकी और ऊपर भी लगे भी देख रहे हैं भैया आ रहे हैं निकालने के लिए। तो आप बताना जरूर कलर ये कैसे लग रहे हैं। तो पगड़ी ले ली अब यहाँ सब यहाँ पे टॉयज कुछ सामान देखने के लिए, वो भी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा हम किसके लिए और क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ हरलीन अपने लिए देखने हैं ये सूट, तो एक सूट हरलीन को मैंने दिलाया जो कि अभी घर जाके दिखाएगी, और एक सूट हरलीन ने खुद लिया। तो कल तो मार्केट बंद थी पर आज खुली थी, तो आज शॉपिंग भी कर लिया। ऐसा तो घर से सोच के होगा शॉपिंग नहीं करनी, पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता कि हम शॉपिंग करके नहीं जाने वाले है ना। शॉपिंग किया पापा ने, डुगू ने लिया बहुत सारी टर्पन, जिस तरह की मेरी पगड़ी है, तरह की मम्मी के सूट भी आए हैं, जितने के लिए नहीं जितने कुछ भी लिया है। जप्पू के लिए लिए हैं पटके, डुगू के लिए हैं टर्पन, और मेरे लिए लिए हैं दो सूट लिए हैं। घर जाके दिखाऊंगी कैसे हैं। तो अभी आ चुके हैं गाड़ी में और हरलीन सड़ रही है। अच्छा तो हरलीन, हमने सिर्फ खाया हरलीन और मैंने पेटी कुलचा, हमने लंगर खाया था लेकिन इतना पेट हमारा हैवी हो गया ना, बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, तो हम इतना घूम लिए पैदल, हमारे अब दोबारा पैर दुखने लग गए। तो टाइम हो चुका है 1:15 और रास्ते में कीनो का जूस पियेंगे। तो टाइम हो चुका है 1:15, अब यहाँ से बस निकलने लगे बाहर की तरफ। चले चलो, तो ये सूट लिए हरलीन ने अपने लिए। अब इसका प्राइस प्रूज में पूछना, मैं नहीं अच्छा लगता प्राइस बताना। और एक ये लिया ब्लैक वाला, अब जब सिलवाएगी हरलीन तब बताएगी। खुशियाँ देख लो इसकी, मेरे को लेके दिया। पेन नहीं लिया तूने? पेन फिर लेके दी, थैंक यू। तो गाड़ी खड़ी कर दिया पार्किंग में सामने, और अभी हम पहुंच चुके हैं नकोदर और जा रहे हैं अभी अंदर मठा टेकने के लिए। और ये पीछे बैक साइड का व्यू है, इतना प्यारा, पार्क के अंदर जाना मना है पर तो अभी यहाँ पर मत्था टेक लिया है और फेस के देख लो 12 बज गया है। रास्ते में आते आते 12 बज गए, थकावट हो जाती है यार, इतना सफ़र कर करके थकावट हो जाती है ना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी एक और जगह है वहाँ पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे कहीं और। गाइस अभी हम आए हैं टॉय शॉप में और यहाँ पर लिया गई है एक ये डॉम्स की कलर किट है ना, अमृतसर में जो मैंने आपको दिखाया था समझ नहीं आया था। हाँ तो हमने यहीं से ली है। सो गाइस एक बार फिर से हम लोग गाड़ी में आकर बैठ गए हैं और टॉय शॉप से हम लेने गए थे टॉय, तो पर मैंने डुगू को बोला टॉय रहने देते हैं, कलर किट ले लेते हैं कि अमृतसर सब देखना है वहाँ पर ना, समझ ही नहीं आई जो चीज चाहिए थी हमें, इसलिए फिर हमने वहाँ से ले लिया। तो इसलिए भी हमने यहाँ से आके ले लिया है, तो इसीलिए कलर किट लिया कि यूजेबल है, अब न्यू सेशन शुरू हो रहा है तो कलर्स तो यूज हो जाएंगे है ना। और साथ में हमने वो टुटू चॉकलेट्स भी लिए, डेरी मिल्क वाली। मैं कितने है, कितने रखे सामान पीछे रखे है। तो चलो ठीक है, और लिया पता किसके लिए है? अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको पता होगा कि हम नकोदर में जब लास्ट टाइम आए थे तो हमें यहाँ पर एक मतलब ऐसे ही एज अ सब्सक्राइबर मिले थे, पर फिर अभी वो हमारी फ्रेंड्स हैं तो हम उनको मिलने जा रहे हैं, तो उन्हीं के बेबी के लिए लिया हमने है ना डुगू। यहाँ पे पहुँच गए और आज यहाँ पे बरसी भी है बाबा जी की, तो प्रसाद ले जा रहे अंदर की तरफ। और देखो रोटी, कितनी बड़ी रोटी बनाई जा रही है वहाँ पे, लंगर के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। ओ
तो अभी टेक लिया मत्था। अब हम जा रहे हैं जिनके घर पे हमने जाना है। टाइम हो चुका है 5 बज गए यहीं पे ही। मैं तो यही सोच रही हूँ कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे दिल्ली पहुँचेंगे। रात को देखेंगे कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ होटल में। होटल में स्टे कर लेंगे, होटल में स्टे कर लेंगे, घर नहीं अपने रास्ते में। अच्छा साड़ी घर जान दी सोच रहे हो कहीं, देखेंगे रास्ते के रास्ते में। चलो अभी तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो जाए। चले लें तो ये मकान इनका बन रहा है अभी, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर इनका ये मकान बन रहा अभी तैयार नहीं हुआ है, और ये भी अंदर है। एक और चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी, दिखाऊँ मैं आपको। ये पीछे बैक साइड में इन्होंने पूरा, ये देखो सामने फाउंटेन वगैरह, वहाँ पर सिटिंग वगैरह बैठने के सारे बनाएंगे। बनने का फिर दोबारा मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। So guys, अभी हम पहुंच गए हैं जहां पे हमने आना था। और मैं ना सारी बातें कट करके पहले ये बताने वाली हूँ कि जिनसे हम मिलने आए ना वो हमसे सच में गुस्सा हैं, और फिर भी हम उनको मिलने आए हैं। अभी हैं ना? है थोड़ा सा, कुछ ना कुछ रह गया बीच में। तो मैं आपको दिखा दूँ हम मिलने किनसे आए हैं। वो हम मिलने आए हैं मेघा दी से। बस मुझे 1 साल हो गया आपसे मिले, पर मुझे सिर्फ आपका ही नाम पता है। मेघा दी भैया का नाम नहीं मुझे पता, भव्यम। कितना प्यारा नेम है ना, मैंने पहली बार सुना है। तो ये हमसे गुस्सा हो गए थे। ये कौन है, ये कौन है? जप्पू व्लॉग्स कौन है ये जप्पू व्लॉग्स? जप्पू उन्हें शर्म आ रही है। तो भैया का घर बन रहा है, जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तब भी भैया का घर बन रहा था, जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और सच में मिस्त्री वाले बहुत अच्छा है, हमने ना इनको जप्पू के बर्थडे पे नहीं बुलाया था, उसका गिल्ट सच्ची में हमको है। पर हमारी सच में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमने आपको नहीं बुलाया था। चलो ऐसी प्रॉब्लम दूर करना, फिर भी हम आ जाएंगे जल्दी। तो इसलिए अभी भैया हमको बाहर लेके आए, जब हम लास्ट टाइम भी आए थे ना, देखो यार सच है, प्रॉब्लम जो थी है ना, आप हमारी फैमिली हो। मेरी आदत ऐसी है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सच है, बिल्कुल सच। और मैं सच सामने से बता सकती हूँ, आप सबको पता हम लोगों के घर पे उतना स्पेस नहीं था। और हम लोग भी ना भैया से फर्स्ट टाइम और एक ही बार मिले थे ना, उसके बाद दोबारा नहीं मिले थे। तो ये होता है कि जैसे अभी हम सामने को किसी को इनवाइट करते हैं तो उसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते घर पे बुला के। अगर हम बुलाते, आप सबको पता हमने जब ब्लॉग्स मेरे सारे आपके सामने आए थे, जप्पू के बर्थडे वाले ब्लॉग, उसमें आपने देखा था ना सब घर पे आए थे। और जैसे क्या होता ना, जैसे अपने भाई बहन होते हैं तो वो कहीं पे भी बिस्तर जैसे मर्जी कर दो, कोई टेंशन नहीं होती है ना। पर अभी जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं ना, तो उनका क्या होता ना, इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उतना नेचर भी पता नहीं होता है। तो सामने से अगर हम ये बोलते कि हम आपको बुलाएंगे, पर हमारे पास स्पेस नहीं है आपको आपके लिए घर पे, है ना, वो चीज़ गलत होती है। तो इस बस एक यही रीज़न था ना बुलाने का। अब हम पक्का बन गए हैं, अब हम बुलाएंगे, जैसे नीचे बिस्तर करके हम खुद लेटेंगे वैसे ही बोलेंगे। बस ठीक है, तो बहुत जल्द अब हम नकोदर आए ना, अब इसके बाद ये हमें मिलेंगे सीधा दिल्ली में। Yes. पक्का ना? Yes. पक्का पिंकी प्रॉमिस? ठीक है, पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो अभी हम यहाँ पर अब कुछ खाए पिएंगे, बाकी जो हमें सुबह का डुगू ने कुलचा खिलाया ना, वो अभी तक नीचे नहीं हुआ। सीरियसली 10 मिनट हो गए यहाँ पे मेनू घूमते हुए कि आप लो हम ले, आप बताओ हम बताए, तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। लो गाइस, मेरी डाइटिंग भी सारे कम हो पाए हैं। ए देखो, है मेरी डाइट नूडल्स,
ये मेरा डाइट डोसा भी मंगा लो। कोई बात नहीं, अब लास्ट दिन आज मैं सब खा पी के कल आराम से घर जाऊंगी। अब अभी ये ट्रेलर ही है, मुझे लगता है और भी कुछ मंगवाया हुआ है ना। अब अगला पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ढंग से तू फ्लाइट किसी को पता ही नहीं लगा क्या सुनाया। दोबारा दोबारा ऐसे नहीं करना मम्मा। चल सुना। बाजरे का चिट्टा चिट्टा कुत्ता। और कौन सा सुनाता है? गाना और ग्लोरियस गल्ला सुनाता है। ग्लोरियस गल्ला सुनाता है। इधर को इधर इधर मुंह करके ऐसे ऐसे करते हैं उसको शेरा। मोई मोई कर देते। अच्छा मोई मोई तो करते हैं वो आरती जोशी है कि आरती क्या नाम है उनका? आरती 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 जोशी आरती जोशी है। वो ग्रीश बटन वाला भी बता रहे ग्रीश बटन फैमिली ब्लॉग दोबारा ग्रीश बट ब्लॉग उसका क्या है? जपनूर ब्लॉग जपू भैया आए हैं। जपू भैया जपू तेरे को भैया भी बोलता कोई शकल दिखाइयो जपू भैया आए हाय। पिंकी प्रॉमिस से किंडर जॉय मिल गया ना? मिल गया? मजा आया? चलिए जप्पू नाल दिल्ली है। दिल्ली चलिए? नहीं चलिए? आओ चलिए। कैंडा नहीं चलिए। सो गाइस 7 बज गए हैं और अच्छा खा पी भी लिया, पेट फुल हो गया है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बाय बाय करेंगे। बाय बाय बाय। कोई कुछ नहीं आना होना पक्का। ठीक है 7 बज गए सी एवे बैठे हुए सी जिवे ए रहा दिल्ली। पता नहीं अपा दिल्ली राती पहुंचांगे कि कितने होर स्टे करांगे है ना। आपकी नीयत आपकी शक्ल बता रही है दिल्ली भी जाने वाले। तो चलो गाइस अभी हम करेंगे इनको यहाँ से टाटा बाय बाय और निकलेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे कुछ नहीं पता। सुनाओ बाजरे दा चिट्टा चिट्टा कुत्ता। देखा नया गाना बनाया तूने। एक बारी फिर चल फिर सुना दे। एक बारी फिर ये नीचे करके सुना। उधर ही सुनाओ इधर। यार एक काम नहीं करने आपा एक काम नहीं करने। नहीं नहीं करने गड्डी आ गई। नहीं नाराजगी दूर है। नाराजगी ना पक्का दूर है तुम्हारी। एक काम नहीं देखो मतलब। अच्छा मतलब ये सही है ना? ये सही फिर अच्छा फिर मेनू दे दो। मैं ले लो किंडर जॉय मैं ले लो। मैं और दे देता हूँ। पहले गाना सुनाओ फिर दोबारा मैं दे दूँ। कैसे कहता है? एक काम करता हूँ एक काम करता हूँ किंडर जॉय ले लेगा। अच्छा पहले एक बारी बाज लेता सिट्टा दोबारा। हेलो हेलो हाँ चलो चलिए चलिए अच्छी चलिए आओ चलिए दिल्ली। ओके बता देंगे घर पहुंच के। गाइस लड़ाई तो दिखनी चाहिए है। मैं तो बोल दिया था ऐसे नहीं बोलना ऐसे नहीं बोलना। तो अभी हम पहुंच गए हैं राजपुरा। तो जप्पू कह रहा पापा हल्की हल्की नींद आ रही है। हलीन भी कह रही हल्की हल्की नींद आ रही है। नहीं आ रही नहीं आ रही। तो कह रही मैकडी से बर्गर ही तो खिला दो। अभी वहाँ पे खा पी के भी आए फिर भी जप्पू पीछे पड़ा हुआ था। मैं कह चलो एक एक बर्गर खाते खाते चल लेते हैं। अभी बज रहे हैं टाइम 9:15। अब लगे हैं यहाँ पे लाइन में। तो यहाँ पे अभी लगे लाइन में
उसके बाद हमारा नंबर दो तीन गाड़ियों के बाद, तो वो रहा हमारा टू पे हेयर दो गाड़ियों के बाद, तीन गाड़ियों के बाद। रात को पहुंचने का टाइम आ रहा है 2 बजे। मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है जो शंभू बॉर्डर बंद है ना, जो इधर उधर से घूम के जाना पड़ेगा, बस मेरे को वही माइनस पॉइंट लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं। आधी थकावट तो वहीं हो जाएगी मेरे को। चलो देखते हैं कितने में पहुंचते हैं घर पे। अब तो यहाँ पे ले लिया मैंने स्लिप और यहाँ पे मिलेगा मैं बर्गर। सो गाइस बज गई हैं 10, लग गई हमको भूख और लिए हैं हम तीनों के लिए एक एक। 10:30 9:30 नहीं दिए, 10 ही बज गए, फिर आधा घंटा ही बचे है, फिर आधा घंटा बचा जब पूरे यहाँ पे अपना पटका वटका खोल दिया है। और यहाँ पर अब हम खाने वाले हैं बर्गर। बर्गर तो गाइस यहाँ पे अभी हम आ गए शंपोर्ट पे, यहाँ पे सारे किसान बैठे थे। ये देखो अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा, फ्लैश लाइट चलाई ना, अभी बहुत अंधेरा है। यहाँ पे सारे किसान बैठे हुए हैं, सारी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं। अभी हम तो पुलिस वाले अंकल के पीछे पीछे जा रहे हैं, है ना पापा। तो अभी टाइम हो चुका है 2:45 और अब पहुँच चुके हैं घर पे। हल्ली निकाल के सामान, नो स्टॉप गाड़ी चला के, और हरलीन तो थोड़ा बहुत सो के भी आई है, मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। तो फाइनली घर पे हम पहुंच गए, छुट्टियां ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।